स्वागत है आप सभी का परीक्षा परिवार में। देखो अभी हाल ही में ना आपका एक नया नोटिफिकेशन आया डीआरडीओ का, काफी सारे बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। तो मैंने बता भी दिया कि भाई इसका क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या, सारी चीजें मैंने ऑलमोस्ट बताई दी और कंप्लीट इसका डिस्कशन भी मैंने किया। अब एक बार हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं और इसका सिलेबस देख लेते हैं, एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं कि है क्या। ठीक है, आप लोगों का इसमें बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, आपके बार बार कॉल भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अगर हम लोग 5 पेज का आपका ये नोटिफिकेशन है, चौथे पेज पर जाएंगे। अच्छा, इसका ना नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दिया है, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इसका मिल जाएगा नोटिफिकेशन। एमपी परीक्षा के नाम से आप सर्च करोगे, वहां पर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप। देखो अगर आप चौथे पेज पर जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले सिलेबस देख लो, सिलेबस आपका ये है। एक पोस्ट है आपकी जेटीओ की, ठीक है, जेएसटी जेटीओ की, उसका सिलेबस है 80 क्वेश्चन का, जिसमें 40 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे, 40 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे, 80 नंबर का आपका पेपर होगा, 1 घंटे का आपका समय मिलेगा। इसके अलावा जितने भी आपके पेपर हैं, जितने भी आपके पोस्ट हैं, उन सभी पोस्ट कोड यहाँ पर आपको देखे रखा है, उन सभी का पेपर 75 क्वेश्चन का होगा। उन 75 में आपका मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, आपका जनरल अवेयरनेस आएगा और आपका इंग्लिश आएगा। 75 नंबर का पेपर, 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 मिनट का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। अब जेटीओ को छोड़कर जितनी भी आपकी पोस्ट है, उन सभी में कहीं ना कहीं स्किल टेस्ट होगा, तो स्किल टेस्ट का भी यहाँ पर आपको देखे रखा है। ठीक है, स्किल टेस्ट भी यहाँ पर आपका हो जाएगा। और जो आपका जेटीओ का पोस्ट है, उसमें एक आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा, और वो डिस्क्रिप्टिव का पेपर में आपका ट्रांसलेशन एंड ऐसे, मतलब आपको ट्रांसलेशन पूछा जाएगा। जैसे इंग्लिश में कोई पैरा दे दिया, उसे आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा, हिंदी में दे दिया इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपका एक तरीके से हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेटर की ही पोस्ट है। ये भी आपका कहीं ना कहीं 200 नंबर का पेपर होगा, इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो ये पूरे आपके एग्जाम का एक पैटर्न है, ये आपके पूरा एग्जाम का एक लेवल है कि भाई इस लेवल पर, इस पैटर्न पर आपका पूरा पेपर होने होगा। अब जैसे आप पेपर को क्वालिफाई कर लोगे, फिर आपका कहीं ना कहीं स्किल टेस्ट, जेटीओ का तो मैंने आपको बता दिया कि आपका 200 नंबर का पेपर होगा 2 घंटे का, इसके अलावा जितनी भी पोस्ट है उनमें कहीं ना कहीं दूसरे आपके स्किल टेस्ट हैं, जो मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। जैसे आपका स्टेनोग्राफर है, टाइपिस्ट है, उनका स्टेनोग्राफर का टेस्ट होगा, टाइपिंग का टेस्ट होगा। और अगर आप सिक्योरिटी की पोस्ट पे एलिजिबल हो, तो उनका सिक्योरिटी टाइप, मतलब आपका कोई फिटनेस का टेस्ट होगा वहां पर। तो ये सारी चीजें तो ठीक है। इसके अलावा एक आपकी पोस्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंट की, तो वहां पर आपका ये फिजिकल मेजरमेंट देखा जाएगा। फिजिकल मेजरमेंट मतलब हाइट आपका होना चाहिए मेल का 165 और फीमेल का 157, मतलब ये पोस्ट मेल और फीमेल दोनों के लिए है। चेस्ट मेल का 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल का मेजरमेंट नहीं होता है कहीं भी, ठीक है। और इसके बाद चेस्ट एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 81 से आपका 86 होना चाहिए। वेट आपका, देखो वेट वैसे तो नहीं बता सकते क्योंकि वो वेट हाइट के प्रोपोर्शनल में होता है, लेकिन फिर भी मिनिमम यहाँ पर देखे रखा है, लड़कों का 50 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप अंडर वेट की कैटेगरी में चले जाओगे, ठीक है। और लड़कियों का 45 से कम नहीं होना चाहिए। फिर आपका यहाँ पर कि भाई नो फिजिकल, आपका कोई भी नौकरी फ्लैट फुट ये नहीं होना चाहिए आपका, बिल्कुल जैसे आप पुलिस का टेस्ट देते हो फिजिकल का, उसमें आपका फ्लैट फुट नौकनी देखा जाता है, वो भी यहाँ पर आपका देखा जाएगा, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका 6x6 की आंखें होनी चाहिए, ठीक है, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, साइड विजन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आपका जो आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है, वो भी कहीं ना कहीं आपका होगा, 3 पोस्टों पर होगा, एक फायरमैन, ठीक है, और एक आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट, और दूसरा आपका एक और पोस्ट था सिक्योरिटी का वहां पर। अब यहाँ पर इंडोरेंस में या फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की अगर हम बात करें, या फिर इंडोरेंस टेस्ट की बात करें, तो मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग होगा आपका 7 मिनट का, जिसमें 1600 मीटर आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अब फिर क्या होगा आपका यहाँ पर कैरिंग अ वेट, मतलब आपको वजन उठाना पड़ेगा कितना, 63.5 kg का, ठीक है, टू डिस्टेंस 183 मीटर, मतलब आपको, और कितने समय में, 96 सेकेंड में, मतलब आपको एक वजन उठाना पड़ेगा 163.5 kg का, और 183 मीटर आपको चलना पड़ेगा, ठीक है, 96 सेकेंड में आपको, 96 सेकेंड का आपको समय दिया जाएगा। ये केवल और केवल ओनली फॉर फायरमैन पोस्ट के लिए रहेगा। इसके अलावा आपका 3 मीटर वर्टिकल रोप क्लाइंबिंग, मतलब आपको रस्सी पर भी चलना होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका 20 सिटअप हो जाएंगे, आपके सिटअप भी आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए हो जाएगा, फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 मिनट में 800 मीटर हो जाएगा, और वजन उठाकर इनको कितना चलना है, यहाँ पर सेम ही रहेगा आपका,
ठीक है, रोप क्लाइंबिंग रहेगा आपका 2.5 मीटर, और आपका लॉन्ग जंप रहेगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में देनी पड़ेंगी, जिन पोस्ट में फिजिकल टेस्ट आपका होना है, जैसे आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट और आपका फायरमैन टाइप। ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपका पूरा सिलेक्शन का प्रोसीजर। तो अगर आप इन सभी के लिए एलिजिबल हो तो आपको ये फॉर्म फिल जरूर करना भरना चाहिए, क्योंकि आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इनकी तैयारी अभी से आपको शुरू करनी चाहिए। हाँ, तैयारी अगर आपको करना है तो आज ही आपको परीक्षा के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। परीक्षा के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और अगर आपके पास प्रो की मेंबरशिप है तो इनके अलावा कोई भी आपके सामने एग्जाम आता है तो उसका मॉक टेस्ट भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, या फिर उस एग्जाम का वीडियो कोर्स भी आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ। वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो।